की सौगंध खाओ। दशरथ जी कहते देख वरदान तेरे और मेरे बीच की बात है, इसमें राम को बीच में क्यों लाती है। महाराज दशरथ जी कभी भी अपने पुत्र की कसम नहीं खाते, राम जी की कसम कभी नहीं खाते महाराज। तो राम को बीच में क्यों लाती, मैं मुझ पे विश्वास रख, आकाश के देवता पृथ्वी पर उतर सकते हैं और पृथ्वी के जीव स्वर्ग में जा सकते हैं सदैव, पृथ्वी उलट पुलट हो सकती है, सारे नियम बदल सकते हैं, लेकिन हे रानी मैं रघुवंशी हूं, रघुवंश की परंपरा को मैं कभी खंडित नहीं कर सकता, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन नहीं जाएंगे, नहीं राम की सौगंध खाओ। तो बार बार कहती है तो मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं, तू जो मांगेगी मैं तुझे तेरे वरदान। इसने में मांग लिया भरत को राज और राम को वनवास 14 वर्ष का, तापस बेस विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। सुनते आकाश गर्जने लगे, पृथ्वी गर्जामान हो गई, महाराज दशरथ मूर्छित हो भूमि पर पड़ गए। सारी प्रजा हाहाकार कर रही है, महाराज सुबह जल्दी उठते हैं आज क्यों नहीं आए, द्वार पर खड़ी है। सुमंत जी जाते हैं, सूचना देते हैं राम को बुला लाओ, राम जी को पता चला। और महाराज माता केकई से राम कहते हैं, मां आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि मेरी मां ने मुझे जंगल का राज्य दिया है, छोटे राज्य को भोग करके मैं क्या करूं, राम के लिए तो बड़ा राज्य है महाराज। इस प्रकार से राम मां का केकई से क्या कहते हैं, रामी बनो को जातारी माता, राजा बनेगा मेरा जातारी माता, रामी बनो को जातारी माता, राजा बनेगा मेरा जातारी माता। ये ला मैया तेरे रिट और कुंडल, ये ला मैया तेरे रिट और कुंडल, तेरे पे जटा को बना तारी माता, राजा बनेगा मेरा तारी माता। आभूषण ये लो मैया तेरे वस्त्र आभूषण, तन पे भगीवा राधारी माता, राजा बनेगा मेरा भ्रातारी माता। बनेगा मेरा भ्रातारी माता, रामे बनो को जातारी माता, राजा बनेगा मेरा भ्रातारी माता, राजा बनेगा मेरा भ्रातारी माता। माता केकई के सुनुग भगवान राम कहते, मां तुझसे बढ़कर के उपकारी मेरे जीवन में कोई नहीं है,
अगर मैं अवध का राजा बनता तो कुछ लोगों की सेवा करता, लेकिन मेरी माँ तूने मुझ पर बड़ा उपकार किया, जो जंगलों में संतों की चरण की सेवा करने का अवसर मुझे दिया। भगवान राम माता केकई से विदा लेकर के माता कौशल्या को सूचना प्रदान करने के लिए जाते हैं। माता कौशल्या अपने हाथों से प्रभु श्री राम के लिए मुकुट पर हीरे मोती लगाती है, वस्त्रों का सुंदर सुंदर चयन करती है कि आज मेरा राम ये पहनेगा, आज मेरा राम ये पहनेगा, मेरा राम इसमें बड़ा सुंदर लगेगा, मेरा राम इसमें बड़ा सुंदर लगेगा। और जैसे ही प्रभु श्री राम माता कौशल्या के कक्ष में पहुंचे, हाथ जोड़ करके माँ से कहते, माँ मेरे पिता ने मुझे बड़ा राज दिया है। माँ एक बात बता, ये अयोध्या बड़ी है कि जंगल बड़ा है? माता कौशल्या कहती, बेटा जंगल बड़ा है। तो माँ छोटा राज्य पिता ने मेरे छोटे भाई को दिया, और बड़ा राज्य यानी मैं बड़ा हूं जो मुझ बड़े को बड़ा राज्य दिया। पिता दीन मोहि कानन राज, जंगल का राज्य मुझे दिया है माँ। कौशल्या कहती, तेरे पिता, हाँ पुत्र का कर्तव्य होता है पिता की आज्ञा का पालन करना, लेकिन बेटा पुत्र के जीवन में माता का भी भाग होता है। तेरे पिता ने अगर आज्ञा दी तो मैं तुझे मना करती हूं, तू वन नहीं जाएगा। तब राम जी कहते, माँ सिर्फ पिता ने आज्ञा नहीं दी, मेरी माता ने भी मुझे आज्ञा दी कि तू वन जा। माता ने दी तो हर्ष, एक पुत्र का सबसे बड़ा धर्म यही है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे। राम ये कौशल्या तुझे वन के लिए विदा करती है। अनंत प्रेम है एक दूसरे के प्रति महाराज, समर्पण देखिए आप। माता कौशल्या विदा करती है, मैं तुम्हें आज्ञा दे। श्री जानकी जी सुनती है, दौड़ करके आती कि हम भी आपके साथ वन में चलेंगे। राम जी खड़े हैं, कौशल्या जी खड़ी है मध्य में, जानकी जी आकर के रुदन करती है। आंसू देख करके माता कौशल्या जी कहती है, बेटा तू रोती क्यों है? जंगल में बड़ा कष्ट है इसलिए रोती है? इसलिए तो राम कह रहा है तू मत जा। तब जानकी जी कहती, माँ मैं इसलिए नहीं रो रही कि जंगल में मुझे कष्ट होगा, जंगली जानवरों का संकट होगा, या सुख सुविधाएं नहीं होगी, इसलिए मैं नहीं रोती। लेकिन माँ मैं आज इसलिए रो रही हूं कि आज मैंने अपनी एक पुत्र वधू होने का जिम्मेवारी मैंने खंडित कर दी, एक बहू की जिम्मेदारी को मैंने तोड़ दिया, मैं अपनी जिम्मेदारी को निभा न पाई। क्या जिम्मेवारी? कि मैं आज तक पिता और पुत्र और माता के बीच में कभी मैं आकर के बोली नहीं, लेकिन आज मैंने इस मर्यादा का खंडन कर दिया। मां मैं आपके और प्रभु के बीच में बोल रही हूं कि मैं प्रभु के संग उनके चरणों की सेवा के लिए जाऊंगी, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। आंसू इस बात के हैं कि मैं अपनी परंपरा अपनी मर्यादा को निभा न पाई। श्री जानकी जी कह रही है, लखनलाल क्रोध से तलमलाती, आए कौन है जिसने प्रभु को वनवास दिया, जिसको राज्य चाहिए ले ले, लेकिन वनवास देने की हिम्मत कौन करता है? भगवान चुप करते, लखन प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं आपकी परछाई हूं, जहां राम है वहां लक्ष्मण है, आप वन में जाएं और ये लखन राज्य का सुख भोगे, नहीं मेरी आत्मा है प्रभु राम आप, और ये शरीर बिना आत्मा के जी नहीं सकता, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। प्रभु कहते, जाओ अपनी माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर के आओ। सुमित्रा जी के पास लखनलाल जैसे जाते हैं, हाथों में पुष्प की माला है कि आज मैं राम जब गद्दी पर बैठेगा तब मैं राम को ये पुष्प की माला अपने हाथों से धारण कराऊंगी। देख लखन कितनी सुंदर माला है, देख लखन कितनी सुंदर माला है। लखनलाल कहते, माँ कुटिलता छा गई अयोध्या में, राम को अयोध्या नहीं वनवास हुआ, हाथ से माला गिर गई। अरे राम को वनवास और तू मेरे सामने खड़ा है?
पर लक्ष्मण तेरे माता पिता तो राम है, जा राम की ही सेवा, राम तेरे पिता है और जानकी तेरी मैया है और तू उनको छोड़कर के मेरे पास आया है। लक्ष्मण जी कहते, मैया मुझे भैया ने आज्ञा लाने के लिए कहा कि आज्ञा लेकर के आओ, मैं आज्ञा लेने के लिए आया हूं। माता कौशल्या जी कहती है, बेटा संसार में वही माता का सौभाग्य है जिसका बेटा प्रभु के चरणों में अपना चित्त रखता हो, अपना ध्यान रखता हो, जिसका पुत्र प्रभु की सेवा में निरंतर लगा रहता हो, ऐसी माता की कोख धन्य है जो भगवान की सेवा में लगा हो। इसलिए बेटा ध्यान रखना, 14 वर्ष तक तेरी आंखों में निद्रा ना आए, राम के कदम पड़ने से पहले उस भूमि के संपूर्ण कंकटों को तू हर लेना, दिन रात प्रभु की सेवा में रहना, वो तेरे माता पिता है उनकी आज्ञा का पालन करना। माता सुमित्रा कहती है, एक बार तुम उर्मिला से मिलकर के आओ। उर्मिला जी के पास मिलने के लिए जाते हैं लखनलाल जी। आज द्वार पर खड़ी है, उसी द्वार पर 14 वर्ष तक उर्मिला जी खड़ी रहती है। महाराज अगर भगवान युद्ध जीत करके आए हैं तो लक्ष्मण जी के बाणों में अगर शक्ति गई, महाराज भले लखन ने मारा बाण, लेकिन उस बाण में शक्ति तो उर्मिला के तप की थी महाराज, जो उस तप के माध्यम की अग्नि जाकर के, शक्ति जाकर के राम को विजय प्रदान कराती है। अनंत त्याग है महाराज उर्मिला जी के जीवन का। आप लोगों ने सुना है कि जब हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं और जब लंगड़ा करके गिर जाते हैं भरत जी के बाणों से, तब सारी अयोध्या रोती है, दो नहीं रोते, सब भरत जी भी रोते, सब रोते, लेकिन दो नहीं रोते। पूछा कि आप क्यों नहीं रोती, लगता है श्री सुमित्रा जी को सदमा पहुंच गया कि बेटा बीमार है, मूर्छित पड़ा है, पत्नी इसलिए सदमे की, पति बीमार पड़ा है, मूर्छित पड़ा है, शक्ति लगी है, सब कह रहे कि इनको रोना जरूरी है, रो नहीं तो बड़ी बीमारी हो जाएगी। लेकिन सुमित्रा जी क्या कहती है कि मुझे कोई सदमा नहीं हुआ, फिर आप क्यों नहीं रोती हैं? बोले, मैं इसलिए नहीं रोती हूं कि प्रभु ने मुझे दो दो पुत्र दिए हैं, अगर एक युद्ध के मैदान में वीर गति को पाता है तो मैं अपने दूसरे पुत्र शत्रुघ्न को भी राम की सेवा में समर्पण कर दूंगी, उस पुत्र को भी मैं पहुंचा दूंगी। उर्मिला नहीं रोती इसलिए कि आपको पता नहीं है, मेरे पति ने 14 वर्ष तक निद्रा नहीं ली, नींद नहीं निकाली, आंखें बंद नहीं करी, प्रभु को मेरे पति पर दया आई है, इसलिए मेरे पति को अपनी गोद में लेकर के प्रभु उन्हें विश्राम दे रहे हैं। अखिल लोक का विश्राम प्रदान करने वाले जगत नियंता परमात्मा की गोद में मेरे पति विश्राम प्राप्त कर रहे हैं, अनंत विश्राम। एक एक पात्र अवध का अद्भुत है महाराज, रामचरितमानस के पात्रों की क्या महिमा का वखान करें। अद्भुत चले हैं भगवान, रथ में बैठे हैं, सुमंत जी को आज्ञा दी दशरथ जी ने, 2-4 दिन वन में घुमा कर के रथ को लौटा करके ले आना, राम ना आए तो सीता को तो लेकर के आना, सुमंत ध्यान रखना अगर सीता ना आई तो ये दशरथ भी जीवित नहीं रहेगा, तीनों में से कोई ना आए तो मैं जीवित नहीं रहूंगा, अपने प्राण त्याग दूंगा। खबर सारी अवध में फैल गई, सारी अयोध्या की नगरी चल पड़ी, संग में रथ चल रहा है, पीछे पीछे अवध के लोग चल रहे हैं। पहुंच गए महाराज, प्रथम रात्रि तमसा के तट पर रुके हैं, सोए हुए अवधवासियों को भगवान ने कहा सुमंत जी से, रथ को ऐसे लेकर के चलो, रथ के निशानों को मिटा दो ताकि पीछे पीछे ना आ सके। सोए हुए अवधवासियों को रात्रि में तमसा के तट पर छोड़कर के भगवान आगे चलते हैं। प्रभात जब उठे अवधवासी तो कहने लगे, हम अभागे हैं,
कि राम हमें छोड़ गए और राम उसको छोड़ करके चला जाता है जो मोह की निद्रा में होता है। मोह की निद्रा में राम पास नहीं होते महाराज। आज राम समस्त अयोध्या वासियों को छोड़ करके चले हैं महाराज। परमात्मा चले हैं भगवान। प्रातः होते ही बारंबार प्रभु लेकर के चले हैं और श्रृंगवेरपुर गंगा के पवित्र तट पर अपने रथ को लेकर के आए हैं। भगवान रामचंद्र जी, लखनलाल और माता जानकी जी नीचे उतरते हैं, गंगा जी को प्रणाम करते हैं। भगवान श्री राम जी सुमंत जी को, जानकी जी को और लखनलाल को गंगा जी की कथा सुनाते हैं। श्रृंगवेरपुर में गंगा के तट पर प्रणाम किया, मां गंगा की अद्भुत महिमा का वर्णन हुआ। निषाद राज गुह दौड़ कर के आए, प्रभु पधारे, प्रभु पधारे, प्रभु के चरणों में प्रणाम करता है गुहराज। महाराज आप हमारे नगर में चलिए, 14 वर्ष का वनवास दिया आपके पिता ने, तो 14 वर्ष तक आप हमारे नगर में रहिए। तब राम जी कहते, नहीं महाराज, तापस वेश विशेष उदासी, हम विशेष वनवास में निकले, विशेष उदासी, हम वन में नहीं, हम नगर में नहीं आ सकते। तब सामने शीशम के वृक्ष की ओट में प्रभु श्री राम जी के लिए बिछोना बिछाया गया महाराज, दर्ब का बिस्तर बिछाया, जिस पर प्रभु श्री राम माता जानकी जी शयन कर रहे हैं। लखनलाल जी बैठे हैं, बाण को बना रहे हैं महाराज, बाण पर नोक कर रहे हैं। अचानक उनकी निद्रा में, उनकी आंखों की पलकों में निद्रा ने आकर के अपना प्रभाव दिखाया। लखनलाल धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए। निषाद राज कहते, यहां कौन है, ऐसा कौन आया जिसको देख करके आपने धनुष बाण ले लिए। राम लखनलाल बोला कि हे गुहराज, मैं उस निद्रा को सावधान कर रहा हूं कि मैं प्रभु की इस 14 वर्ष की लीला में अगर उसने मेरी पलकों को स्पर्श भी किया तो संसार उस निद्रा को मैं खत्म कर दूंगा। 14 वर्ष तक नहीं सोए लखनलाल जी, भोजन ग्रहण नहीं किया। लखनलाल जी ने उनके तप से महाराज युद्ध को जीत पाए हैं राम जी। निषादराज ने, गुहु ने सारी प्रजा को लगा दिया, बोले राम जी अयोध्या वासियों को छोड़ के रात में चले गए थे, अपने को छोड़ के नहीं चले जाए, इसलिए जागे रहो। और निषाद राज लखनलाल जी के पास जाकर के रुदन करते हैं, केकई ने अच्छा नहीं किया प्रभु को वनवास दे करके, आज प्रभु को इस दर्ब के बिस्तर पर देख करके मुझे रोना आ रहा है, बड़ा दुख हो रहा है। लखनलाल मुंह पे हाथ रख देते, अरे निषाद राज ऐसा न कहो, प्रभु कहते हैं केकई को बुरा कहने वाला जड़ होता है, और बताओ राम जी को क्या दुख है, दुखी आदमी कभी सो नहीं सकता, उसे नींद नहीं आती, लेकिन राम जी कितनी आराम से सो रहे हैं। और ये बताओ गुहराज, कभी तुम अयोध्या में आके राम जी के दर्शन कर सकते थे, कभी राम जी के कमरे में जाके राम जी के दर्शन कर सकते थे, लेकिन देखो उन केकई की कृपा से राम तुम्हारे नगर में आकर के तुम्हें दर्शन देने आए हैं, तुम्हें दर्शन देने आएंगे। दर्शन देने के लिए राम का आगमन हुआ। प्रातः होती है महाराज, अद्भुत चर्चाएं हुई, भगवान सत्संग सुनाते हैं, राम कौन है, लखनलाल जी सुना रहे हैं निषाद राज को, राम ब्रह्म परमारथ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा। राम कौन है, साधारण जीव नहीं है, मनुष्य को दुख होता है, भगवान को दुख नहीं होता, मनुष्य छोटी छोटी बातों पे रुदन करता है, रोता है, दुखी होता है, मुझे ये दुख आ गया, मुझे ये दुख आ गया। पूछो भैया बड़े दुखी हैं, किस बात से दुखी, बोले पता नहीं महाराज, किस बात से दुखी जो उसका ही पता नहीं महाराज, बड़े परेशान, बोले बस परेशानी यही कि मालूम ही नहीं कि हम परेशान क्यों, दुखी क्यों है, दुख का कारण पता नहीं है हमें,
और संसार में सब दुखी है महाराज। हैं काह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। दुख क्या है? दुख किसे कहते हैं, सुख किसे कहते हैं? सुख वो है जिसमें भगवान की याद हो, और दुख क्या है? जिसमें भगवान की विस्मृति हो जाए वो दुख है। हैं कहा महाराज, सुख के माथे सिल पड़े। सिल नाम पत्थर, सुख के माथे पड़ जाए। क्यों? जो हरी हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटा। सुख के माथे पत्थर पड़े, बलिहारी दुख की जो प्रभु का बार बार नाम याद दिला। महाराज प्रभु दुखी नहीं है, सुखी है, ब्रह्म है, ब्रह्म को कभी दुख नहीं होता। निषादराज चिंता मत करो, राम ब्रह्म परमारथ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा। परमार्थ के रूप है भगवान, तो परमार्थ क्या है? बोले प्रभु के चरणों की सेवा ही परमार्थ है। प्रभु के चरणों की सेवा का रूप परमार्थ बताया महाराज अद्भुतता से। राम पर ब्रह्म है, राम के चरणों की सेवा परमार्थ है। प्रात काल श्री रघुराई उठे हैं, राम जी ने आज्ञा दी निषादराज को, जाओ वटवृक्ष के दूध को लेकर के आओ। और प्रभु ने अपने कोमल कोमल केशों पर बड़ के दूध को लपेटा और जटाओं का मुकुट बनाया। ये देख करके श्री सुमंत जी की आंखों में आंसू आ गए। सुमंत जी रुदन करने लगे, प्रभु हम आपको वापस लेकर के चलेंगे, महाराज दशरथ ने आज्ञा दी। सत्य की दुहाई देकर के राम जी ने मना कर दिया। माता जानकी जी को कहा कि आप चलो, अन्यथा महाराज प्राण त्याग देंगे। पति धर्म का पालन बता करके माता जानकी जी ने भी मना कर दिया। रथ लेकर के सुमंत जी चले महाराज। अब इधर प्रातः सुबह सुबह एक मल्लाह, एक केवट, नाव चलाने वाला केवट निषादराज गुह के पास आकर के कहता, बोले महाराज ये क्यों कहता महाराज? इसने रात को सब बातें सुन ली, लक्ष्मण जी और निषादराज में जो चर्चाएं हो रही थी ना महाराज, वो बातों को सुन लिया। पार ब्रह्म परमार्थ रूपा, इसलिए वो सुन लिया। अब कहा राम तो भगवान अगर अब आए हैं तो कल्याण करके ही रहेंगे महाराज हमारा। तो महाराज से कहा, महाराज हमारा आपके पास एक वरदान बाकी है। कौशल्या केकई के दो वरदान थे, इनके एक वरदान है महाराज। बोले हाँ हाँ, आज हम बड़े प्रसन्न हैं, हमारे नगर में राम आए हैं। एक क्या, तुम चार मांगो, पचास मांगो, हम देंगे, जो मांगोगे जो मिलेगा। बोले नहीं नहीं, पचास साठ से हमें लेना देना नहीं, हमें तो एक ही चाहिए। बोले बिल्कुल कहो क्या चाहिए। बोले प्रभु इस नगर में जितनी भी नाव है सारी गंगा के घाट से हटा दो, केवल गंगा के घाट पर हमारी नाव रहेगी महाराज, हम राम को गंगा से पार लेकर के जाएंगे। बोले ठीक है, हो जाएगी व्यवस्था आपकी। बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज, केवट प्रसंग प्रभु का। राम जी आप विराज जाओ, तीन ही विराज जाओ, बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। महाराज चले हैं प्रभु श्री गंगा जी के तट पर, गंगा के घाट पर पहुंच गए भगवान। गंगा को प्रणाम करते हैं। अब महाराज परमात्मा की बड़ी सी सुंदर सी लीला महाराज, ए ए एक एक बात भगवान के बहुत अद्भुत है महाराज। प्रभु अपने भक्त का कल्याण करने के लिए आए हैं, इसलिए पहला धर्म तो लक्ष्मण जी का बनता है महाराज, सेवा में वो है, इसलिए नाव की बात करने आगे वो जावे। स्वामी बात थोड़ी करते, सेवक जाके बात करते हैं, लखन को जाना चाहिए। लेकिन राम जी जानते कि हमारा भगत बड़ा अटपटा है महाराज, और अटपटा अगर लखनलाल के चक्कर में पड़ गया तो ये तो तीर बाण चला देंगे, इसलिए हमें तो अपने भक्त की रक्षा करनी। तो अब की बार राम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, राम जाते हैं। और राम जी जाकर के सीधे महाराज पहुंच गए गंगा के तट पर। निषादराज भी देख रहे हैं, लीला केवट खड़े हैं। और भगवान मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। ये केवट आ गए, इधर इधर इधर, हाँ ये केवट आ गए महाराज।
केवट क्या कहता है, भगवान राम जी पहला शब्द पहली बार भगवान को मांगना पड़ा। हम तो एक बात सुने एक भजन से महाराज, दाता एक राम भिकारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिकारी सारी दुनिया, लेकिन आज केवट के द्वार पर जगन्नाथ भगवान जगत को देने वाले मांग रहे हैं, मांगी नाम न केवट आना, मांगी नाम न केवट आना, तुम्हारी मर में जाना, एक ही तुम्हारे मरम में जाना, चरण कमल रज को सब कही, हो चरण कमल रज कहो सब करही मोर कछु आई, मानुष करने मोर कछु आई, ज्योति सिला भई नारी सुहाई, हो ज्योति सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कटे नाई, पाहन तेन काट कटे नाई, मांगी नाम न केवट आना। भगवान ने कहा नाव लाओ, बोले नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाओगे, कहां है तुम्हारे मरम में जाना। बड़े बड़े जोगी, बड़े बड़े सती मुनि महामुनि ज्ञानी ध्यानी नेति नेति करके थक गए, जिनके मरम को न जान सके, ये नाव चलाने वाला केवट कहता हम तुम्हारे मरम को जानते हैं महाराज, हम तुम्हारे मरम को जानते हैं, हम आए हम तुम्हारे मरम को जानते, क्या जानते हो, भले बस हम नाव नहीं लाएंगे महाराज, है हम ना ही निहरा लाइब आपन नहीं आ, हम हमारे नाव को नहीं लेकर के आएंगे महाराज। बोले क्यों, बोले आप हमने बड़े आपके बारे में बड़ा जाना है, आपके बारे में बड़ा जानते हैं। लक्ष्मण जी पूछे ऐसा क्या जानता है तू हमारे बारे में, यही जानता होगा कि भैया यहाँ क्यों आए हैं, ये तो कोई बच्चा बच्चा ही बता देगा कि राम जी यहाँ क्यों आए, क्यों आए, बोले नाव में बैठ के नदी पार करना, बोले नहीं ये मरम थोड़ी है, तुम हमें मूर्ख मत समझो लखनलाल, हम भोले भले हैं लेकिन अज्ञानी नहीं है, हम समझते हैं इनका मरम बड़ा जानते हैं। अच्छा ए बताओ ये कौन है, हम जानते हैं हमने सब सुना है ये ब्रह्म है परमात्मा है, हमने ये भी सुना है एक बार इन्होंने बहुत बड़ा रूप बनाया था, बहुत बड़ा रूप बनाया जो दो पग में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया था, तो ए बताओ क्या ये एक पांव से दूसरे किनारे जाने के लिए फलांग लगा कि नहीं जा सकते गंगा पर, ये तो हम जानते हैं क्यों आए हैं, नाव के लिए नहीं आए हैं। बोले फिर क्यों आए हैं लखनलाल, तो महाराज 50% हाई बिल्कुल 50% 50-50 डिग्री के तापमान पे उनका तापमान बढ़ गया। बोले महाराज हम जन्म से राम जी के पास है और राम जी का मरम हम नहीं जान पाए, और ये केवट कह रहा है कि हम तुम्हारा मरम हम जाने, मतलब हम जानते हैं तुम्हारा मरम। राम जी से पूछे लखनलाल जी प्रभु आपका कौन सा मरम जानता है ये केवट, बोले अब हम क्या जाने, केवट कह रहा है तो उसी से पूछ लो महाराज, हम क्या जाने। राम जी ने कहा केवट से पूछ लो लखन, लखनलाल पूछे क्यों कौन सा मरम जानते हो, बोले हम बड़ा मरम जानते महाराज, आप सोचे होंगे कि नाव मांगने आए, बोले नाव मांगने नहीं आए, नदी पार करने नहीं आए। बोले फिर, बोले महाराज ये तो कृपालु हैं, हम पर कृपा करने आए हैं, क्या कृपा करने आए हैं, बोले इनके चरणों का चरणामृत ब्रह्मा को भी दुर्लभ है, इनके चरणों का चरणामृत शंकर को भी दुर्लभ है, और ऐसे दुर्लभ चरणामृत को लुटाने के लिए अवधनाथ अवध से चल करके इस गंगा के घाट पर आए हैं,
केवट के भाग्य को बनाने। लखन लाल बोले बात तो बड़ी जोरदार कही साहब आपने, बार बार कहे मारे तुम ये नाम लेकर के आओ, कोई कोई तो उपाय होगा नाम लाने का। नहीं बिल्कुल नाम नहीं लाएंगे, साफ मना कर दिया, मांगी नाव न केवट, नहीं नहीं लाएंगे महाराज। बोले क्यों? बोले हमने बड़ा सुना महाराज, आपके पांव में बड़ी ताकत है, आपके पांव की बड़ी महिमा सुनी हमने। क्या महिमा सुनी? बोले महाराज पत्थर की शिला पर पांव अड़ा इनका तो नारी बनकर के रूप में आ गई। अब हमारी लकड़ी की नाव महाराज, अब नेक लकड़ी की नाव पानी में दिन भर पड़ी रहे, ये तो पानी से फूल भी गई, सड़ भी गई, गल भी गई। अब महाराज वो तो पत्थर था, कठोर था, तो पांव लगाने से महाराज वो स्त्री बनी। अब इसको तो देखेंगे राम जी और स्त्री बन गई तो क्या भरोसा, बड़ी कोमल है हमारी नाव, और अगर ये स्त्री बन गई महाराज तो हमारे घर में बड़ा लफड़ा हो जाएगा साहब। क्या लफड़ा हो जाएगा? बोले मान लो हम इस अब ये स्त्री बन भी गई और हमारे घर लेकर के जाएंगे, हमारी पत्नी कहेगी, हम पत्नी से कहेंगे कि देखो राम जी आए थे घाट पे, तो राम जी को हमने नाव में बिठाने के लिए कहा, जो उनकी पांव पड़े और पांव पड़ते ही स्त्री बन गई, तो हमारी पत्नी बात मानेगी हमारी? आप ही बताओ, हमारे घर राड़ लगाना चाहते हो, लड़ाई कराना चाहते हो? भगवान से लखनलाल बोले प्रभु ये आपका भगत है, आप ही जानो। मान ही नहीं रहा महाराज, हाँ ही नहीं बोल रहा, मना ही करे जा रहा है। बोले लखनलाल इसमें इस केवट का दोष नहीं है, ये हमारा भगत है। लखनलाल बोले भगत है तो इसका मतलब ये कि आपको मना करे? भगत तो सेवा करने वाला होता, आपके आज्ञा पालन करे। बोले केवट का दोष नहीं लखन, इसमें दोष तुम्हारा है। हमारा दोष? हमने क्या गुनाह कर दिया महाराज? बोले बताओ जब हम अयोध्या से निकले थे हमने तुमको मना करा था कि नहीं कि तुम हमारे साथ मत चलो? बोले बिल्कुल करा। आपने बात मानी? बोले नहीं मानी। बस अब मुहूर्त बिगड़ गया तो सीधी यात्रा ही ऐसी रहेगी महाराज। श्री गणेश ही मना से हुआ ना, तो सीता मानी ना लखन माने, अब दो ही नहीं माने तो अब ये केवट भी न माने महाराज, ये भी जोरदार भगत है हमारा, ये ही न माने। बार बार कहे महाराज। प्रभु बोले कोई ना कोई उपाय तो होगा भैया, इसके अलावा कोई उपाय हो तो बता दो। बोले इसके अलावा तो उपाय एक ही है कि आप कहो कि हमारे पांव पखारो, फिर हम आपके पांव पखारेंगे, फिर नाव में बैठेंगे। अब बताओ महाराज ऐसा कौन होगा दुनिया में जो ये कहेगा कि तुम हमारे पांव पखारो, हमारे पांव पढ़ो, ऐसा कोई कहने वाला है महाराज? ये कह नहीं कहोगे नहीं जा, तुम कहो। अरे तुमको करना हो जो नहीं, तुम कहो, आप कहोगे जब हम धोएंगे महाराज। राम जी भी चुप खड़े, लखनलाल जी भी चुप खड़े महाराज। अरे बिठाता है कि नहीं बिठाता है? देखो ललबा हमारे और भगवान के बीच में, आप बीच में नहीं आऊं बड़ा बुरा होगा महाराज। बोले कोई उपाय? बोले एक और उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले यहां से थोड़ी दूरी पर ये सामने ताड़ के वृक्ष दिख रहे हैं आपको, इन ताड़ के पेड़ पर वहां से गंगा जी कमर कमर तक है, आप तीनों वहां से भली भांति पार हो जाओगे। आगे आगे हम आपके चलेंगे, पीछे पीछे आप तीनों चलिएगा, आपको नाव में भी नहीं बैठना पड़ेगा और आपको पांव भी नहीं धुलाना पड़ेगा और गंगा पार हो जाओगे। केवट जानता है राम जी गंगा पार ऐसे नहीं करेंगे महाराज, चल करके नहीं जाएंगे, क्योंकि गंगा जी कहां से निकली महाराज? भगवान के चरणों से निकली है, इसलिए भगवान की बेटी है महाराज, नारायण की। तो अपनी बेटी को कोई पांव से रौंदेंगे महाराज? हम नहीं जाएंगे पार, इसलिए तो महाराज ऐसी कड़ी बिठाई उसने, वो बहुत बात कटपटी बिठा दी, वहां से जाएंगे नहीं, बैठना तो नाव में पड़ेगा, दूसरी नाव है नहीं, पार कैसे जाएंगे? लखनलाल बोले महाराज बड़ा जोरदार भगत कबाड़े हैं आप अपन है? देखो भगवान आपको कहना तो पड़ेगा। बोले बात बस छोटी सी है, सिर हिला दीजिए और पांव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। हाँ मैं कर दीजिए, ऐसे ऐसे गर्दन कर दीजिए, अगर बोलने में शर्म आती हो तो हम मान लेंगे, आपके पांव धो लेंगे महाराज। परमात्मा न माने और यू भगत भी न माने महाराज, हमारी नाव हम नहीं देंगे महाराज। रूठ गया भगत, कहा कि मत धुलवाओ, कोई बात नहीं, हमें क्या गरज पड़ी नाव धुलाने की, पांव धुलाने की, आपको पार करने की हमें थोड़ी गरज है, पार तो आपको जाना, आप आए हमारे पास मांगी नाव, हमको कोई गरज नहीं है, मत धुलाओ, हमको क्या है। अच्छा लखनलाल एक बात बताओ, वो पत्थर का क्या हुआ जिससे नारी बन गई थी? लखनलाल बोले वो तो नारी बन के अपने पति के लोक को चली गई। बोले ये बड़े होशियार हैं, पता नहीं किसी ऋषि मुनि को कह के आए होंगे कि तुम्हारी पत्नी की व्यवस्था हम करते हैं और किसी के शराब से
हमारी नाव अगर किसी की ऋषि पत्नी शराब से नाव बनी होगी तो महाराज इसको पांव लगाती ये तो उसके पास चली जाएगी, फिर हम हमारे परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे परिवार का और बच्चों का पालन पोषण का साधन ही नाव है प्रभु। इसलिए आप पांव धुलाने की बात कहो तभी बात बने, नहीं तो बात न बने। बार बार कहे वाह मत धुलाओ, नहीं धुलवाना कोई बात नहीं, यही रहिए, हमें तो फायदा है महाराज। क्या फायदा? बोले गंगा के पार जाओगे तो उधर चले जाओगे, आगे हमको दर्शन थोड़ी होंगे, लेकिन यहीं रहोगे तो हम बढ़िया आपका मंदिर बना देंगे जिसमें आप तीन यहीं विराजमान रहिएगा, फिर हम रोज गंगा में नाव चलाएंगे आपके, रोज दर्शन करेंगे, दर्शन होंगे, मैं धुलाओ हमें फायदा। लखनलाल बोले ये तो इधर भी जीत में और इधर भी जीत में है, जावे तो जावे किधर महाराज। भगवान बार बार श्री लखनलाल जी से, लखनलाल जी कह रहे भैया मान जाओ नहीं मानेंगे। लखनलाल बोले प्रभु आप ही मनाओ, अब इसको आपके ही बस की बात है, हमारे बस की बात नहीं है। कहा ठीक है। प्रभु ने कहा देखो लखन, तुमको जो भी करना हो जो कर लो, तुमको जो करना हो जो कर लो, पांव धोना है धुलवा लो। केवट बोला कि अच्छा आपको ये डर लगता है कि हम अगर नाव चलाएंगे और आपको पार करेंगे तो आपको हमें कुछ देना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा हमको, तो आप चिंता मत कीजिए महाराज, हमें पता है कि आप अयोध्या में सब कुछ छोड़ करके आए हैं और आपसे हम कुछ नहीं मांगेंगे। दुहाई दशरथ जी की, दशरथ जी की सौगंध खाते हैं, दशरथ जी की सौगंध खाते देर न लगी महाराज लखनलाल ने धनुबाण उठा, रे हमारे पिता की सौगंध खाता, अरे महाराज आपके पिता जैसा सत्यवादी दुनिया में कोई नहीं है और उनके सत्य की शपथ में खाता हूं कि मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा, नहीं लूंगा उतराई, अब तो बैठ जाइए प्रभु। तब भी राम संकोचित है, बार बार कहता महाराज। लखनलाल सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे भीसे करुणा आए, हंस पड़े भगवान अटपटे बोल सुन करके, अटपटे बोल सुन करके भगवान बड़े राजी हुए प्रसन्न, लखनलाल क्रोधित थे और भगवान प्रसन्न है महाराज। करुणा निधान रहुआ जगदातार, श्री भगवान रहुआ जगदातार, भगवान तो जगत के आधार है। भगवान बोले कृपा सिंध बोले मुस्काई, सोई करूं जई तब नाव न जाए, जिससे तुम्हारी नाव न जाए ऐसा उपाय तुम कर लो। केवट बोला महाराज अभी अभी हमने कहा आपको कि हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और आपकी अटपटी बातें हमें समझ में नहीं आती, हम क्या करें बताओ क्या करें? आप कह रहे हो सोई करो, जो क्या करें आप ही बता दो क्या करें। राम जी कह रहे तुम्हारी नाव न जाए ऐसा उपाय कर लो, स्पष्ट नहीं कह रहे कि पांव धो, कौन कहेगा कि हमारे पांव धो, मान बार बार कहे कि आप स्पष्ट कहो शुद्धिकरण से कहो महाराज तब बात बनेगी। तब राम जी कहते हैं बेग आन जल पाय पखारू हो तिलंब उतार ही पारू, हमें बड़ी देर हो रही है जाओ हमारे पांव पखारो और हमें नाव में बिठाल करके पार करो। अब इतना सुनते ही महाराज केवट तो जमीन पे बैठ गया, और ये जमीन पे बैठा लखनलाल राम जी को देखे केवट को देखे कि राम जी ने जो कहा वो केवट को समझ में आया कि नहीं आया, कि केवट ने इसका उल्टा ही अर्थ ले लिया, आखिर बात क्या हुई, केवट बैठ क्यों गया? अरे पांव पखारे ले आवे जल और पखार ले। राम जी ने लखन जी से पूछा तुम ही पूछो बात क्या है क्यों बैठा है। लक्ष्मण जी पूछे क्यों बैठे हो? अरे अब हम क्या बतावें, आपके प्रभु ने तो कहा है इसलिए हम बैठ गए। बोले कैसे बैठ गए? बोले राम जी ने क्या कहा? बोले क्या कहा? बेग आन जल पाय पखारो, क्या कहा राम जी ने? पखारो। अब पाँव पखारो तो पाँव अकेले थोड़ी पखारे जाते हैं, हाँ ऐसे कहते थे कि आओ जल ले आओ और पाँव धोओ और बिठा के ले चलो। अगर ऐसा कहते राम जी तो बात ही हम धो करके इतनी देर में तो आपको बिठा करके पार कर देते, लेकिन इन्होंने कहा पाँव पखारो। पखारो में तो महाराज जोड़ा चाहिए, हमारी पत्नी हमारे वाम भाग में होवे और फिर गठजोड़ा बांध करके हम बैठे और फिर वेद के मंत्र उच्चारण होवे फिर राम जी के चरण हम पखारे। अब राम जी की आज्ञा को कोई उल्लंघन कर सकता? लक्ष्मण जी बोले पार हो गए महाराज, ऐसे तो यही रहना ही है हमको, अब पार हम नहीं हो सके। राम जी बोले जाओ बुला लाओ अपनी पत्नी को। और महाराज दौड़े केवट, दौड़ते दौड़ते चला महाराज, दौड़ते दौड़ते चला।
अब गंगा जी कभी गए महाराज, तो ऐसे रेत की ऐसी टिला होता, फिर नीचे खेत गांव होता महाराज। वो पाल पे खड़ा होकर के अपने पुत्रों को आवाज लगे, अरे चुनवा मुनवा चुनवा, अरे दौड़ो 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 दौड़ो, 12-15 बच्चे पीछे पीछे दौड़े महाराज। पत्नी को बुलावे, अरे सुनो भगवान राम आए हैं, चलो चलो जल्दी प्रभु के पांव पखारे। क्या लेकर के चले? बच्चों को सुना दिया, देखो दौड़ते ही पहली जाते राम जी के बगल बगल खड़े हो जाना, आसपास खड़े हो जाना सब। क्यों आसपास खड़े होने से क्या होगा? बोले देखो हम बड़ी देर उनको कर चुके हैं, और ज्यादा देर अगर होगी न, मान लो भाग गए, तो इसलिए आसपास तुम खड़े रहोगे तो भागने की जगह ही नहीं मिलेगी उनको। हाँ बात तो ठीक है। अब महाराज कठोता और कठोती दो ही संभाले, कि कठोता ले जावे कि कठोती ले जावे। बोले कठोती ले जाएंगे, मान लो अगर लड़की बनी तो ब्याह करना पड़ेगा, समस्या है जाएगी। कठोता ले चले महाराज, छोरा बने को हमारा आराम से बैठ के प्रभु के भजन करेंगे और बेटा कमाई के देगो महाराज। कठोता ले गए, छोटा कठोता, एक पांव आवे जिसमें महाराज, दो पांव आवे जैसा नहीं, एक पांव वाला। वो लेके चला केवट महाराज, दौड़ करके प्रभु के पास बैठ गए पत्नी के साथ में महाराज। भगवान से कहा अपना सीधा पांव कठोते में रखो प्रभु। प्रभु ने रखा बढ़िया भाव से, मल मल करके प्रभु के पांवों को केवट ने धोए, और जैसे ही चरण धोए प्रभु ने पांव निकाला भूमि पर रखा, केवट ने कठोता उठाया चरणामृत पी गया। लखनलाल बोले अब चले? बोले प्रभु एक गलती हो गई। बोले क्या गलती हो गई? बोले हमने हमारा गमछा नीचे नहीं बिछाया और राम जी ने अपना पांव नीचे रख दिया, फिर मिट्टी लग गई महाराज, फिर धोना पड़ेगा। राम जी कहे फिर धो लो महाराज। लखनलाल बोले हो गए पार, एक पांव धुलाओ फिर मिट्टी लगेगी, फिर दूसरा धुलाओ, फिर पहला धुलाओ फिर दूसरा धुलाओ, 14 बरस यही निकल जाएंगे महाराज हमारे। लखनलाल, राम जी बोले कोई बात नहीं, ले आओ, अब की बार व्यवस्थित धोएंगे। फिर जल लेकर के आया, एक बार तो चरणामृत खुद पी गया। अब महाराज लखनलाल बोले कि चलो भाई देर हो रही। अरे ऐसे कैसे चले, हमारे इतने सारे बच्चे नहीं दिख रहे आपको? ये अपना मुंह फाड़े, आपका मुंह ताकने थोड़े आए हैं, चरणामृत लेने आए हैं महाराज। ठीक है धो। फिर चरण धोए भगवान के, एक चरण धोए भगवान के, फिर गमछा बिछाया वापे भगवान के चरण रखे, दूसरा चरण लेकर के धोने लगा, तो उस चरणाम धो करके उसको भी गमछे पर रखा, और फिर महाराज अपने पुत्रों में धपा करके सबको बिल्कुल मुंह फाड़ के सबको चरणामृत पिलाया। अब लखनलाल जी बोले अब चले? कहां चले, हमारी पत्नी तो बाकी रह गई महाराज, ये चरणामृत ना रहे तो कैसे चले महाराज। बोले राम जी बोले ठीक है धो लो महाराज। फिर धोवे, एक पांव पे खड़े भगवान डगमगाने लगे। केवट बोले प्रभु आपको गिरने का डर लगता है, तो एक काम करो, आपका हाथ मेरे माथे पर रख दो। और जैसे ही प्रभु श्री राम ने अपने हाथ केवट के माथे पर रखा, आकाश से देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। धन्य हो केवट के भाग। फिर वो चरणामृत का कटोरा अपनी पत्नी को दिया, पत्नी ने पिया। लखनलाल बोले अब चले? अभी कहां चले, इतने सारे दिख नहीं रहे महाराज, आप तो चले जाओगे, हमको तो आपको पार करके वापस इसी गांव में आना, ये गांव वाले हमको मार डालेंगे महाराज, कि अकेले ने चरणामृत ले लिया, हम सबको छोड़ दिया महाराज, हमको भी तो चरणामृत मिलना। जो लखनलाल भयंकर क्रोधित और धनुषबाण निकाले, बोला चलता है कि? राम जी बोले रे रे रुको, लखन उसकी इच्छा पूरी करने दो। और फिर जल लाया महाराज, और फिर चरण धोए, और धो करके महाराज सब गांव वालों को चरणामृत दिया, सब ने तृप्त हो गए। अब महाराज अब बोले अब तो चलो। बोले अब कहां चले? बोले नाव पार करो नदी। अरे ऐसे कैसे पार करें, नियम आपके कारण घाट का नियम थोड़ी बदल देंगे। कौन सा नियम घाट का? बोले जो पहले आता है वो पहले पार होता, जो बाद में आता है वो बाद में पार होता। बोले हमें तो यहां दिखाई नहीं दे रहे महाराज कोई। केवट बोला महाराज दिखाई पड़ जाते तो कब के पार हो जाते सा। हमारे पितृगण बैठे हैं आपके इंतजार में, उनको तृप्ति होगी तभी तो। अच्छा बताओ राम जी आप गुरुकुल गए नहीं गए? बोले गए। मंत्र आते हैं? बोले बिल्कुल आते हैं। पिंड दान कराना जानते हो? तर्पण कराना जानते हो? बोले बिल्कुल करा जानते हैं। चलो ठीक है, चरणामृत के ही जल से हम तर्पण करेंगे, आप मंत्र बोलो महाराज। महाराज पितरों को भी तृप्त कराया, अपने गांव वालों को तृप्त करवाया, बच्चों को तृप्त करवाया, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को और खुद को तृप्त करा करके
केवट से। अब भगवान कहते हैं कि अब हमें पार करो। और भगवान केवट की नाव में सिया चढ़ाई चढ़े रघुराई बैठे भगवान नाव चल। चरण कमली प्रभु ध्यान लगाव, हाथी जोड़ी प्रभु दरीस निपाव। लक्ष्मण और सीता की संग में वन को जाती राम। केवट ही मन मुस्काए प्रभु ओ मेरे ओ भा। बड़ा गे राही जल मेरी नैया प्रबल, गंगा पार करो पार करो। दोनों हाथ उठा के कौन कौन अपनी नैया पार लगाना चाहता है। गंगा जी के पार लेके चला रे के बटिया, गंगा जी के पार लेके चला रे के बटिया। हे गंगा जी के पार लेके चला रे के बेटिया, गंगा जी के पार लेके चला रे के बेटिया। बड़ा के राह जल मेरी नैया प्रबल, गंगा पार करो पार करो। राम लखन सीता संगी आकर केवट को समी जाते हैं। राम लखन सीता संग आकर केवट को समझाते हैं। कैसे हमें वनवास में आए सारी बातें बताते हैं। हो कैसे हम वनवास में आए सारी बातें बताते हो। हे दशरथ नंदन राम दुलारे, दशरथ नंदन राम दुलारे। त्याग दिए सुख साधन सारे, त्याग दिए सुख साधन सारे। हो करके वनवास जी बड़ा है गए। गंगा जी के पार लेके चला रे के बेटिया हो। रामचंद्र जी सन्मुख आए, केवट मन मुस्काए हो। रामचंद्र जी सन्मुख आए, केवट मन मुस्काए हो। चरणामती की नीचे जी पावे, पाप सभी धुली जावे हो। चरणामृत की निज रज पावे, पाप सभी धुल जावे हो। इन नैनों ने दर्शन पाए, इन नैनों ने दर्शन पाए। जन्म जन्म के पुण्य कमाए, जन्म जन्म के पुण्य कमाए। ओ जाके यही भाव जी, गंगा जी के पार लेके चला रे के बटिया। गंगा जी के पार लेके चलो रे के बटिया। बड़ा गहरा जल मेरी
मैया प्रबल गंगा पार करो धोले की महिमा तिहारी जानी दुनिया सारी हो चरण धोले की महिमा तिहारी जाने दुनिया सारी ओ पत्थर को नारी कर डाला काट की नावे हमारी पत्थर को नारी कर डाला काट की नावे हमारी चरण पखारो पारी उतारो चरण पखारो पारी उतारो हे भगवनी अपना बाकी समारो भगवन अपना भाग्य समारो प्रभु मानो मेरी बात गंगा जी के पार लेके चला रे के बटिया हे गंगा जी के पार लेके चलो रे के बटिया ओ बड़ा गहरा जल ओ बड़ा गहरा जल ओ मेरी नैया प्रभु मेरी नैया प्रभु गंगा पार करो पार करो मेरी नैया में नचे मनेरा गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्य मनेरा गंगा मैया धीरे बहो धीरे बहो मैया धीरे बहो मैया धीरे बहो मेरी नैया में मेरी नैया में चालो था गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो उचल उचल मती मारो हिच खोले उचल उचल मती मारो हिच खोले देख हिच खोले मेरा मनवा डोले देख हिच कोले मेरा मनवा डोले ओ मेरी नैया में चारो था गंगा मैया धीरे बहो ओ मेरी नैया में चारो था गंगा मैया धीरे बहो टूटी फूटी काट की नैया काट की नैया टूटी फूटी काट की नैया काट की नैया जी काट की नैया टूटी फूटी काट की नैया तुम बिन मैया कौन की मैया तुम बिन नैया कौन की मैया ओ मेरी नैया है हो मेरी नैया
ही बीच मजेदार गंगा मैया दी रे भव ओ मेरी नैया है बीच मजेदार गंगा मैया दी रे भव धीरे बहोरी मैया धीरे बहोरे मैया धीरे बहो मेरे मैया मैया में लक्ष्मण गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो ती दुखी के ये रखवाले दीन दुखी के यह रखवाले दुष्टों को भी तारने वाले दुष्टों को भी तारने वाले आज आए हैं हो आज आए हैं मेरे दा गंगा मैया धीरे बहो अब आए हैं मेरे दा मैं गंगा मैया धीरे बहो ओ मेरी नैया में लक्ष्मण गंगा मैया धीरे बहो बोलिए गंगा मैया की जय भक्त और भगवान की जय जय की आवाज ठीक नहीं एक बार जोरदार बोलिए गंगा मैया की जय हो माता गंगा मैया अद्भुत कृपा की धारा है महाराज द्वापर युग में भगवान श्री सुदामा जी के पाप पखारते हैं अब सुदामा जी को वही ऋण अदा करना है इसलिए भगवान सुदामा जी केवट बन के आए और भगवान के पाप पखारते हैं द्वापर में केवट सुदामा द्विज दीन बना क्योंकि भगवान को भी बदला चुकाना था मांगी राम नाव राम ने न केवट ने पाई किंतु मांगे बिना ब्राह्मण को भूपति बनाया था हंसकर हंसाकर पखारा पद केवट ने भैरव रुदन किंतु श्याम को सुनाना था केवट ने धोया पद सुर सरिता के जल से ब्रह्म आंसुओं से पद्र विप्र को धुलाना था वहां भगवान ने आंसुओं से धुलाया तो यहां पर गंगा की धार से भगवान ने के केवट ने भगवान के चरण धोए इस प्रकार पार उतरे हैं उत्तरी पार दंडवत की नहा 10 मिनट की और कथा है फिर आपका उत्तरी पार दंडवत की ना उतरते ही महाराज दंडवत करते हैं लखनलाल बोले यार उस पार तो बड़ी टनटनी लगा रहे थे ऐसा नहीं करे नाव नहीं देवे वो नहीं करे वो बात है यहां उतर करके बिल्कुल भीगी बिल्ली बोले महाराज उस पार आप हमारे वश में थे अब आप हमारे वश में नहीं हो ज्यादा लगाएंगे तो आप यहां से चले जाओगे इसलिए प्रेम से आपके दर्शन करने दो प्रभु श्री राम जी को विचार आया प्रणाम किए दंडवत पांव पकड़ लिए केवट ने भगवान के मन में भाव आया वैसे तो भगवान राम जी का स्वभाव है कोई भी भगवान को प्रणाम करता है ना राम जी को तो भगवान उसे उठा के अपने गले से लगा लेते हैं लेकिन केवट को भगवान ने नहीं उठाया बड़ी आश्चर्य की बात क्यों नहीं उठाया भगवान संकोचित है अब मैं क्या करूं महाराज ये मेरा बेटा है और पिता का कर्तव्य बनता है पुत्र को कुछ देना इसने मेहनत करी मल्ला इससे इसके परिवार का पालन पोषण होता है गुजारा होता है नाम से और इसे कुछ उतराई न देंगे तो बात न बने अब भगवान के पास तो कुछ है नहीं सब छोड़ करके आए हैं श्री जानकी जी अपने पति के मन की बात को जान गई पत्नी वही है जो बिना कहे अपने पति के मन की बात को जान ले अब इस जगह पर महाराज आज की पत्नी होती और पति इधर उधर देखे कुछ देने को नहीं पत्नी के हाथ में अंगूठी बोले हाँ माँ बाप के कहने पर सब लुटा दिया ये हमारे पियर से आई अंगूठी बची है लो ये भी लुटा दो ऐसी जोर जोर से बोलती महाराज लड़ाई करने लग जाती सर लेकिन पिय ही की सिय जानन हारी अपने पति के मन की बात को जानने वाली पत्नी होती ध्यान रखो यात्रा में संग लेने वाला वही साथी है जो मन की बात को जान जाए ये जीवन यात्रा है इसमें पत्नी संगिनी है अगर पत्नी अपने पति की बात को न जान सके तो फिर वो पत्नी कैसी यहाँ तो महाराज 2500 के नोट बंद हुए पति बेचारा जब दुखी होता था तो पत्नी बोले कहीं कोई नहीं न बंद ब्याज दान गड्डी की गड्डी निकली शक्कर का डब्बा मुंह दाल का डब्बा मुंह अबे बदलाव आपत की स्थिति में पति का साथ नहीं दिया स्त्री को सदैव अपने पति के सुख दुख में साथ देना चाहिए
सुख में तो सब साथ रहते लेकिन दुख में पत्नी साथ देवे। ऐसी श्री जानकी जी ने मुद्रिका जी, राम जी ने मुद्रिका ली नहीं, जानकी जी के लिए कहा कि देखो भगत उठो बेटा, केवट उठो, तुम्हारी माँ सीता जानकी जी तुमको मुद्री उतराई दे रही है, प्रसाद है ले लो। कहे प्रभु लज्जित मत करो, आपको पता है आपके इस समय में अवतार में दो जनों ने आपके पांव पखारे हैं। बोले कौन कौन? बोले पहले हैं जनक जी महाराज और दूसरा हूं मैं। मैंने पांव पखारे? जनक जी ने, आप उनके द्वार गए जब पखारे थे, तो जनक जी ने पांव पखारे तो आपको अपनी बेटी दान दी, सुनाते हम, हमारी भी बहन हुई जानकी जी, माँ हुई हमारी, और हमने भी पांव पखारे, अब हम कुछ दे तो सकते नहीं लेकिन हम अपने रिश्तेदार से ले नहीं सकते, फिर भी कहते ले लो, राम जी कह रहे, लखन जी कह रहे ले लो, ज्यादा हो गई महाराज। तो लखन केवट क्या कहता? बोले देखो भगवान आपकी ने हमारी जात दो की एक है। क्या कह रहा है केवट भगवान से? आपकी और हमारी जात एक। इतना सुनती महाराज क्रोध में तलमला गए लखनलाल, अरे केवट होकर के महाराज रामचंद्र जी की बराबरी करता? अरे लखन लखन सुनो बात, वो क्या कहता जो सुनो तो सही। बोले क्या? बोले प्रभु मैं इस नाव के माध्यम से लोगों को गंगा पार करता हूँ और आप भवसागर में बैठे बैठे भक्तों को भवसागर पार करते हैं। मैं, आप आए मेरे द्वार, मैंने आपको गंगा से पार किया, जब मैं अपने परिवार गांव के साथ आऊं तब आप भी मुझे निसंकोच भवसागर से पार कर देना। बस यही आपसे आते समय मिलकर के जाइएगा। आगे चले हैं महाराज परमात्मा, चलते हैं परमात्मा आगे, उतरी पा उतरे प्रयाग के दर्शन करते हैं, गंगा जमुना सरस्वती के किनारे पर उठ कर करके अपने तीनों की महिमा का बखान रामचंद्र जी करते हैं, गोहराज भी संग में हैं। तब मज्जन करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव जायहु माथा, शिव जी की पूजन करके प्रणाम किया है, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गए रात्रि विश्राम करके, वहां से निकले हैं, आगे गए वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रुके हैं और चार मार्ग के लिए बालकों को संग लेकर के भगवान आगे की ओर अग्रसर होते हैं। चित्रकूट की महिमा आती है, चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाई, आई नहाए सरित बर सी समेत दऊ भाई। दोनों पहुंचे महाराज सुमंत जी को, अयोध्या जी लौटे हैं और महाराज दशरथ इंतजार कर रहे थे, सुनाया कि प्रभु नहीं आए, जानकी जी ने भी मना कर दिया, और बार बार कहते हैं देखो कर्म की गति तारे न तरे, कर्म की गति तारे न तरे, मुझे अपना पाप याद आता है कि शक्का शिकार खेलने में जंगल में गया था।